बैक पेन और नी पेन में क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, बैक पेन क्यों होता है, नी पेन क्यों होता है, वो सारी चीज़ों के लिए आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैक पेन और नी पेन ना हो इसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और वो मैं आपको बताऊँगा सारी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि खड़े रहे हो तब, बैठे हो तब, सो रहे हो तब, सोकर उठ रहे हो तब, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपको कभी भी बैक पेन या नी पेन का प्रॉब्लम ना हो। दिस इज मी फिजियो प्रेम शाह, एसोसिएट प्रोफेसर एट विकास कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी फ्रॉम फिजियो ट्रेंड्स। तो शुरू करते हैं कि खड़े रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नॉर्मली हमें हमारे काम के लिए या तो फिर कहीं पे गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम बैठ ही सकते हैं, तो खड़ा भी रहना पड़ता है। पर खड़े रहने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो कि नॉर्मली जैसे हम इतने डिस्टेंस पे पैर रख के खड़े रहते हैं, तो उसकी जगह पे आप खड़े रहिए अपने शोल्डर के जितने डिस्टेंस पे पैर रख के। तो लगभग इतना डिस्टेंस अगर आप रखते हो तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता है और उस वजह से हमें बैलेंस भी अच्छा मिलता है, दोनों पैरों पे इक्वल वेट और इक्वल प्रेशर आता है, जिस वजह से घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता और ऑटोमेटिकली आपकी बैक भी सेफ रहती है। दूसरा कारण है कि इतना डिस्टेंस रख के खड़े रहोगे तो उसमें साथ में ही आप खड़े होके अपना वेट शिफ्ट कर सकते हो एक साइड से दूसरे साइड पर। उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी एक साइड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और कंटिन्यूसली आप वेट शिफ्ट कर सकते हो, जिससे आपको बैक पेन या नी पेन की तकलीफ नहीं होगी। अब क्या नहीं करना है, तो ज़्यादातर लोग हम क्या करते हैं कि खड़े रहते टाइम ऐसे एक पैर पे वज़न लेके खड़े रहते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि कोई भी एक पैर पे ज़्यादा वज़न आता है और उसी पैर में बाद में दर्द होना शुरू हो जाता है। या तो फिर हम ज़्यादा ही पैर एक साथ रख के खड़े रहेंगे तो उससे भी तकलीफ़ है, क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट कम हो गया, ऑटोमेटिकली बैलेंस रखने के लिए ज़्यादा मसल एक्टिविटी करनी पड़ेगी और दर्द भी ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अगर कहीं पे आधे घंटे से ज़्यादा हमें खड़ा रहना पड़ रहा है, तो ऑलवेज़ हमेशा एक हैबिट रखिए कि आधे घंटे के बाद आप बस छोटा सा एक वॉक ले लीजिए जहाँ भी खड़े हैं उसके सराउंडिंग में, और फिर से वापस आके खड़े हो जाइए। या तो फिर अगर थोड़ा सा भी बैठने का जगह मिलता है तो दो मिनट के लिए बस बैठ जाइए और फिर से खड़े हो जाइए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स पे, बैक पे कंटिन्यूस प्रेशर नहीं आता, और ये करने से हम लंबे समय तक बैक पेन या नी पेन को अवॉइड कर सकते हैं। अब जब कहीं भी बैठे हो तो उस वक्त पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़, कोशिश करें कि जिस भी चेयर पे कहीं पे भी आप बैठे हो तो दोनों वहाँ पे जगह पे आपके पास आर्मरेस्ट हो। अब आर्मरेस्ट का फ़ायदा क्या है कि जब आर्मरेस्ट रहता है तो अपने आप आपका पोस्चर स्ट्रेट रहता है, बैक पे दबाव कम आएगा और अपने आप आपको बैक पेन नहीं होगा। अब आर्मरेस्ट नहीं है तो क्या होगा, हमारे हाथ दोनों साइड में रहेंगे, हम ऐसे झुक के रहेंगे, ऑटोमेटिकली बैक का कर्व चेंज हो जाएगा, बैक पे प्रेशर बढ़ जाएगा और बैक पेन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आर्मरेस्ट के साथ बैठिए, सीधे बैठिए। दूसरा पॉइंट है कि दोनों पैर को नीचे ऐसे ज़मीन पे, फ्लोर पे टच रहे वैसे रखना है, ना कि ऐसे बैंड करके रखना है। क्यों? क्योंकि अगर बैंड करके रखते हो तो ये क्वाड्रिसेप मसल कि एक्टिविटी की वजह से जॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाता है और अपने आप नी जॉइंट पे प्रेशर की वजह से नी पेन होना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि दोनों पैर ऐसे सीधे रखें और आराम से पीछे अपने बैक को रेस्ट करके आर्म रेस्ट पे दोनों हाथ रख के बैठिए, आपको कभी भी बैक पेन या नी पेन की तकलीफ नहीं होगी। अब तीसरा पॉइंट है कि सोते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सोते वक्त सबसे पहले अगर आपको सीधा सोने की आदत है तो आप सीधे सो जाइए और एक पिलो को दोनों पैर के नीचे रखना है, दोनों घुटने के नीचे ऐसे रखेंगे ताकि दोनों घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर ना है सोते वक्त, क्योंकि अगर दोनों घुटने सीधे रहेंगे तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ कंप्रेशन की वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है। दूसरा ये है कि पिलो घुटनों के नीचे रखने की वजह से हमारा लोअर बैक जो होता है वो कम्प्लीटली फ्लैट रहता है एक बेड पे,
और बेड पे फ्लैट रहने की वजह से लोअर बैक को बहुत अच्छे से आराम मिल जाता है, ताकि आपके मसल्स भी रिलैक्स रहे और दूसरे दिन आप अच्छे से काम कर सकते हो। दूसरा कि अगर आपको साइड में लेटने की आदत है तो यही पिलो को आपको दोनों पैर के बीच में रख देना चाहिए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम पिलो को दो पैर के बीच में रखते हैं तो दोनों पैर के बीच में जगह रहती है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली आपके पेल्विस पे प्रेशर कम आएगा। पेल्विस पे प्रेशर कम आएगा तो बैक पे भी प्रेशर कम रहेगा, बैक पूरा रिलैक्स रहेगा, अच्छे से आराम मिल जाएगा और आगे जाके आपको बैक पेन की या नी पेन की तकलीफ़ें नहीं होगी। इसलिए अगर आप ये दोनों चीज़ों पर ध्यान रखते हो तो आप बैक पेन और नी पेन दोनों को अवॉइड कर सकते हो। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप सोकर उठना चाहते हो तो कभी भी ऐसे डायरेक्टली उठना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप डायरेक्टली उठते हो तो बैक पे बहुत प्रेशर आता है, मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हो सकता है कि उस वजह से भी आपको बैक पेन शुरू हो जाए। इसीलिए ऐसे ना उठकर हमेशा हमें एक साइड पे टर्न होना है। टर्न होने के बाद हमें दूसरे हाथ से ऐसे सपोर्ट लेके उसको प्रेस करके खड़ा होना है और उसके बाद दोनों पैरों को नीचे की तरफ ऐसे लेके जाना है। और हमेशा याद रखना कि बैठने के बाद तुरंत खड़ा नहीं होना है, एटलीस्ट 2 मिनट के लिए वहाँ पे बैठिए, अपने बॉडी को एक पोजीशन में एडॉप्ट होने लीजिए, कंफर्टेबल होने दीजिए और उसके बाद खड़े होके जो भी आपका रूटीन एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको कभी भी बैक पेन नी पेन की तकलीफ नहीं सताएगी, आप अच्छे से अपना सारा एक्टिविटीज़ बिना किसी पेन के कर सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे और आपको कभी भी बैक पेन या नी पेन महसूस नहीं होगा।